नहीं गलत आदमी सब लगा रहे थे बताइए। हम दो दो कर रहे हैं, हम कोर्ट जी 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 कोर्ट से हमको जो है राहत मिलेगी इंशाल्लाह। और ये जो झूठे मुकदमे सब जानते हैं, कैसे लगा रहे यार इनकी पत्नी इरफान बताइए बताइए सब साजिश है। कोर्ट से हमें पूरी हम लोग कोर्ट से सारी कार्रवाई करेंगे और सब ठीक है। जो जाजमऊ थाने अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ था क्राइम नंबर 127/22 जिसमें विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी मुख्य आरोपी हैं, इन लोगों को लगातार पुलिस ढूंढ रही थी। नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू किए गए थे, कई राज्यों में पुलिस ने दबिश दी थी। आज पुलिस के अथक प्रयासों के बाद इन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने सीपी कार्यालय में प्रस्तुत हुए और आत्मसमर्पण केस में इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया है और दोनों को आज को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और की जाएगी जो भी साक्ष्य उसमें उपलब्ध हैं उसके अनुसार अगर आवश्यक पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा और उसके बाद जो अन्य मुकदमे हैं उसमें भी रिमांड उसके बाद लिया जाएगा। पूरा परिवार चाहते कुछ सफाई भी अपनी तरफ से दी गई जो भी उनके तरफ से बात बताई जाएगी उनके बयान दर्ज किए जाएंगे वो भी केस डायरी का पार्ट होगा और जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दोनों विधायक श्री इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ये दोनों अरेस्ट किए गए साथ में ही थे, काफी दिनों से घूम रहे थे। अभी पूरी पूछताछ इनसे की जा रही है ये कहाँ थे और इतने दिन ये जो पुलिस से भाग रहे थे इस बारे में पूरी इनसे बयान लिया जाएगा और उसके बाद जो साक्ष्य अवेलेबल होंगे उसके अनुसार कार्रवाई